हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप बहुत ही आसानी में, बहुत ही कम टाइम में गाजर का हलवा बना पाएंगे। जनरली जब भी हम हलवा बनाते हैं तो या तो वो टेस्टी होता है या फिर दिखने में खूबसूरत होता है, दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसकी हेल्प से ये टेस्टी भी बनेगा और दिखने में भी इतना बढ़िया लगेगा जैसे किसी बाजार में या शादी का हलवा होता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। नमस्कार, मैं हूँ सीके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 kg गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि गाजर जो हो वो थोड़ी लाल रंग की हो, तभी अच्छी रंगत आएगी। ऊपर से कोई कलर हम नहीं डालने वाले हैं, पर फिर भी ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। सबसे पहले आपको गाजर को इस तरीके से छील लेना है। इसके ऊपर कुछ रेशे से होते हैं, वो हमें निकालने हैं। इसे निकालने के बाद इसे धोकर अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये 1 किलो गाजर में हम 1/2 किलो दूध का इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन 2 चीज़ों से बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा बन के रेडी होगा। इस तरीके से सारी गाजरों को आप छील लीजिए और उसके बाद इसकी ग्रेटिंग कर लीजिए किसी भी ग्रेटर से। दूसरी तरफ दूध से हम छेना यानी कि पनीर बनाएंगे। ये इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जब हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर के हिसाब से 1/2 लीटर दूध ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। जैसे ही इसमें पहला बॉईल आ जाता है थोड़ा सा विनेगर डालिए। अगर विनेगर यानी कि सिरका आपके पास नहीं है तो आप 1/2 इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें खट्टा दही 1 चम्मच डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप डालें, दूध जो है वो फट जाएगा और फटने के बाद दूध और पनीर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यही हम ताज़ा पनीर यूज़ करेंगे गाजर का हलवा बनाने के लिए। इन केस आपको ये दूध वाली प्रोसेस थोड़ी सी टफ लगती है और आपको इतनी सारी झंझट नहीं करनी है तो एक और तरीका है। आप बाज़ार से थोड़ा सा पनीर ले आइए और उसे हाथों से मसल कर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर के बने हुए पनीर से ये हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देखिए कैसे दूध और पानी अलग हो गया है, यानी कि छेना हमारा बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है। 2-3 मिनट फ्लेम पर ऐसे ही से रहने दीजिए ताकि अच्छे तरीके से पानी और पनीर अलग हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से अलग हो जाए, आपको लगे कि अच्छे से बढ़िया से पनीर बन चुका है, तब आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे किसी भी छलनी में इस तरीके से छान लीजिए। इसका जो एक्सेस वाटर है वो आपको निकाल देना है। अगर आपको उसे नहीं फेंकना है तो उसे ठंडा करके फ्रिज में रख लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी जम जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे आप आटा भी गूंद सकते हैं। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग ये पानी फेंक देते हैं, आप इसे ना फेंकें। अब ऊपर से ठंडे पानी से इसे मैं धो रही हूँ, रूम टेम्परेचर वाले पानी से, ताकि जो विनेगर सिरका हमने डाला था वो अच्छे से निकल जाए। दूध का पनीर भी बन चुका है और यहाँ पे जो गाजर है उसे भी हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है या ग्रेटिंग वाली कोई प्रोसेसिंग मशीन है फिर तो काम और भी आसान हो जाता है। चलिए अब तैयारी करते हैं हलवे की। अब तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, झटपट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, मोटे बेस वाली। आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसी कढ़ाई यूज़ करें जिसका तला थोड़ा सा मोटा हो। इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो जो मीठी चीज़ें होती है, जो इंडियन स्वीट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा घी में ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, तो कम भी डाल सकते हैं। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाए आप इसमें गाजर डाल दीजिए कद्दूकस की हुई। यहाँ पे फिलहाल मेरी गैस की फ्लेम हाई है क्योंकि काफ़ी पानी है गाजरों में जो हमें धीरे धीरे सुखाना है और साथ में इसे भूनना भी है। अच्छे तरीके से भूनेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। बाद में अगर आपको ऐसे लगे कि जल रहा है तो आप गैस की फ्लेम भी कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है आपकी कढ़ाई के ऊपर तो आप थोड़ा सा ऊपर से घी और भी डाल सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है। फिलहाल ये बिल्कुल लाइट रेड कलर का है लेकिन जैसे जैसे पकता जाएगा थोड़ा ऑरेंजिश भी हो जाएगा, लेकिन इसमें डार्क कलर यानी कि रिच कलर आना शुरू हो जाएगा जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। करीब 4-5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, इसका कलर भी चेंज हो गया है, पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिना घी के भूनना है तो फिर यहाँ पे आप अपनी थोड़ी सी गैस की फ्लेम मीडियम लो कर दीजिए और फिर इसे भूनिए ताकि ये नीचे ना चिपके। मैं थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए भी और भूनने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इसलिए भी।
अब इसे और 3-4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। बस ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है इसमें, आप बीच बीच में भी अगर चम्मच चलाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार यहाँ पे खड़े रहना है और हिलाते रहना है और अपना हाथ दुखाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे भी इसे स्पैटुला से हिला सकते हैं। जब 8-10 मिनट हो जाए इसे भुनने में, तब हम इसमें डालेंगे शक्कर। यहाँ पे अगर मैंने 1 किलो गाजर का इस्तेमाल किया है तो शक्कर मैंने करीब इसमें 200 ग्राम डाली है, 200-250 ग्राम। इसमें बिल्कुल सटल इसमें मीठा रहेगा, बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप कम ही मीठा डालिए, देख लीजिए कैसा इसका टेस्ट आता है, बाद में तो आप एडजस्ट कर सकते हैं मिठास को। अब शक्कर को पिघलने तक और शक्कर के साथ भूनने तक हम इसे भूनेंगे। देखिए 2-3 मिनट और हो गए हैं, शक्कर भी पिघल गई है, उसके साथ गाजर बहुत अच्छी भुन चुकी है और शक्कर डालने से देखिए इसका कलर जो है वो और भी डार्क हो गया है। पहले ही ऑरेंज लग रहा था लेकिन अब काफी रेडिश लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा ताज़ा हमने पनीर निकाल कर रखा था। इस तरीके से बनाने से 2 फायदे होते हैं। अगर आप दूध के साथ गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजरें बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, इसलिए दानेदार नहीं लगती, और साथ में दूध की वजह से इसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, यानी कि फीका हो जाता है। तो खाने में भले ही टेस्टी हो लेकिन इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता, दिखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता। अगर आपको इसको दानेदार और खूबसूरत बनाना है तो आप पनीर का इस्तेमाल कीजिए। प्रोसेस उससे ज़्यादा सिंपल है, देखने में भी अच्छा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगा। पनीर डालने के बाद आप और इसे थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। बीच बीच में आप थोड़ा सा चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको कच्चापन चला गया ऐसा लगता है, शक्कर वगैरह बिल्कुल सारी ठीक है, तो आप उस स्टेज पे गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश। मैं इसमें थोड़े से बादाम कट करके डाल रही हूँ। मैंने इसे रॉ डाला है, कच्चे ही डाले हैं। आप चाहें तो बादाम को भून कर डाल सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। प्लस अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाला। यहाँ पे थोड़े से मनक्के डाले हैं, आप चाहें तो किशमिश डालें। ये मनक्के डालने का कारण ये है कि लाल के ऊपर काला बहुत कलर उभर के आता है, देखने में खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। अब इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और बाद में गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स, हलवा बिल्कुल ही बनके रेडी है, गर्मा गर्म है। ऐसे ही मैं इसे सर्व कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही इसे मज़ा आने वाला है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को ठंडा पसंद है, कुछ लोगों को गर्म पसंद है, आपको जिस तरीके से पसंद है आप वैसे इसे खा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।